अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया। साथ ही भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की पहली झलक भी सामने आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट के महंत नित्य गोपाल दास समेत तमाम साधु संत इस मौके पर मौजूद रहे। 5 लोग मुख्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पूरा करने के लिए गर्भगृह में पहुंचे थे। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बाद उनकी पहली पूजा शुरू हो गई। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शंखों की ध्वनि से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। शहनाई की मधुर ध्वनि में प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला पर कमल का पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की, साथ ही फलों का प्रसाद भी चढ़ाया। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा की। गर्भगृह में बाल राम सोने के आभूषणों से सजे हुए नजर आए। राम मंदिर के गर्भगृह में बाल राम की मनोहारी तस्वीर देखने को मिली, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। श्याम वर्ण, माथे पर टीका, स्वर्ण मुकुट, पूरे विधि विधान से भगवान राम के बाल रूप की इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। सिर पर मुकुट, हाथ में सोने का धनुष बाण लिए राम पीतांबर कपड़े पहने दिखे। कुल मिलाकर आभूषणों और फूलों से लदे दिखे प्रभु श्री राम। सबसे पहले विधि विधान से पूजा कर गर्भगृह में भगवान राम की बाल मूर्ति स्थापित की गई। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। पूजा खत्म करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के चरणों में शीश झुकाया। पीएम मोदी के ठीक पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ थे। स्वर्ण आभूषणों से बाल राम की सजावट हुई थी। शहनाई की मधुर ध्वनि के बीच बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पीएम मोदी भी इस अवसर पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब पीएम मोदी राम मंदिर में पहुंचे तो उनके हाथ में चांदी का छत्र था। सुनहरे कपड़े पहने पीएम मोदी के माथे पर लाल टीका लगा था। हाथ में लाल रंग की चुनरी भी थी। बता दें कि 7000 से ज्यादा मेहमानों को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए निमंत्रित किया गया था। फिल्मी जगत से लेकर औद्योगिक जगत के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पूरे अयोध्या में इस वक्त जश्न का माहौल है। हर तरफ भगवा लहर देखी जा रही है। पूरे अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।